हेलो, सो वेलकम ऑन सी आई जेड प्लस डियर स्टूडेंट। या से हाय, गुड इवनिंग, जो आपको ठीक लगे बेटा। ओके, सो इन दिस सीरीज बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस रिलेटेड टू एसएससी। एंड यू नो माय डियर फ्रेंड बेटा कि दैट एग्जाम इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, टू बेटा get good job, obviously good post, okay, so many things are there. Now before starting beta this test series, I want to tell you we will cover beta nahi hota ki acche se acche question ek series mein, okay, best content I want to give you. इस तरीके से बेटा हम क्वेश्चन कवर करेंगे, इस तरीके से चीजें कवर करेंगे ताकि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए 27-28 जो भी है, दिस सीरीज मस्ट बी वेरी बेनिफिशियल टू यू, ओके, बहुत अच्छा रहे बेटा आपके लिए। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है और सी आई जेड प्लस बेटा यही काम करने जा रहा है, ओके। तो आई वॉन्ट टू टेल यू अगेन बेटा कि सी आई जेड प्लस को एक बार सब्सक्राइब करिए और इसके ऐप को बेटा इंस्टॉल करिए। और हम लोग एक बेटा टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। In this test series, beta, we have three papers. Okay, one is non-technical and two are technical. So, in three papers, में से बेटा एक जो सबसे बड़ा important point है वो क्या है कि सारे के सारे question authentic, relevant है, जो कि कहीं ना कहीं SSC से direct relate होंगे. Okay बालक, SSC से direct relate होंगे. तो बस आपको दो तीन चीजों पे यहाँ पे focus करना है कि किस तरीके से exam की preparation करनी चाहिए, किस तरीके से बेटा हमें क्वेश्चन को समझना है, किस तरीके से हमें एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं और किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है, ओके। सो लेट्स अगेन बिगिन विद दिस सीरीज बेटा विद सीआईजेड प्लस। एंड नाउ आई वांट टू गिव यू फर्स्ट एग्जांपल माय डियर फ्रेंड, एंड दिस एग्जांपल इज बेटा वेरी इजी। आई वांट टू आस्क यू, आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम सर्किट थ्योरी एंड मेनी मोर सब्जेक्ट बेटा वी विल कवर इन द सेम सीरीज, ओके। So I want to say beta, here we have some R and E in this fashion, and this is some voltage beta V, and you know beta this is the objective exam, so calculation portion will be really very less, okay. So I want to write beta some 20 volt here. This resistance is balak 10 ohm, that resistance is also 10 ohm, and here beta I want to write 5 ohm, and this is our battery value E, okay. And here beta some current is flowing, I want to say like beta 7 ampere, and here beta I want to say some current is coming beta 3 ampere, okay, in this fashion, that thing is going to satisfy. So what will be the value of E beta for the particular circuit, okay, just text yourself and tell me beta, aram se soch ke samajh ke boliyega, okay, कोई जल्दी नहीं है वाला। यस बालक, इन दिस सीरीज बेटा वी विल कवर लाइक क्वेश्चंस इस तरीके से कवर करेंगे कि आपको 100% बेनिफिट करे। और दिस इज काइंड ऑफ बेटा इतनी फास्ट सीरीज होने वाली है कि ऑलमोस्ट हम इतना कवर करेंगे कि आपको पेपर जो है काफी इजी लगे और आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए, ओके, ये पॉइंट है। तो एनीवन बेटा वांट टू गिव एनी आंसर बेटा फॉर दिस क्वेश्चन, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? बहुत आराम से बेटा, आसान है। सो टुडे वी विल कवर बेटा ऑलमोस्ट सर्किट थ्योरी क्वेश्चन, ऑल एग्जांपल्स फ्रॉम द सर्किट थ्योरी एंड फ्यू एग्जांपल आई विल टेक फ्रॉम कंट्रोल सिस्टम आल्सो, ओके। सो सी बेटा बिफोर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन आई वांट टू टेल यू फ्यू कंसेप्ट, ओके, व्हाट आर दोस कंसेप्ट्स? आराम से समझो बेटा क्या होता है। देखो एक बात आपको ध्यान रखनी है खासतौर से बेटा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, व्हाट इज दिस थिंग, इन रजिस्टिव एलिमेंट माई डियर फ्रेंड करेंट विल ऑलवेज फ्लो बेटा हायर टू लोअर पोटेंशियल, ओके। सो व्हाट इज योर ओम्स लॉ बेटा? ओम्स लॉ सेज दैट आई इज नथिंग बट चेंज इन वोल्टेज बाय बेटा आर, एंड दिस वी समटाइम्स डेल वी, वी कैन राइट बेटा वी ऑल्सो, सो वी बाई आर, वेयर दिस वी इज माई डियर फ्रेंड बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। सो दैट थिंग इज क्लियर,
आगे बढ़ते बेटा, व्हाट इज केसीएल सेज? केसीएल सेज दैट बेटा इनकमिंग करंट इज इक्वल टू बेटा आउटगोइंग करंट. सो सिमिलरली वी कैन राइट वन रिलेशनशिप बेटा डेल्टा आई इज इक्वल टू जीरो. ओके, एक नोड पे बेटा जितनी करंट्स आती हैं लाइक एडिशन वाइज बेटा उतना ही बाहर निकलेगा. तो जितना ऐसे कह सकते हैं बेटा नेट चार्ज एट दिस पर्टिकुलर नोड विल ऑलवेज बी जीरो. नेट चार्ज विल ऑलवेज बी जीरो. सो ऐसे मानो बेटा कि अपने पास एक ब्रांच है या इस टाइप का कोई ब्रांच कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, एंड हियर आई वांट टू से बेटा 1 billion इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग बेटा हियर एंड 1 billion इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग हियर ऑल्सो, देन डेफिनेटली बेटा थ्रू दिस ब्रांच 2 billion इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर. ओके, 2 billion इलेक्ट्रॉन्स मीन्स बेटा अगर करेंट ये है तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में होंगे, करेंट ये है तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और करंट बेटा अनवर्ड है तो इलेक्ट्रॉन्स इनवर्ड होंगे. यानी कि 2 billion इलेक्ट्रॉन्स इस नोड पे आए, फिर यहाँ से बेटा 2 billion इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो इस पे नेट चार्ज कितना बचा बेटा? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स विल फाइनलाइज अवर चार्ज. व्हाट इज द यूनिट ऑफ बेटा 1 coulomb चार्ज? यू नो वेरी वेल. सो बेटा यू नो 1 ampere करेंट इज नथिंग बट बेटा 1 coulomb चार्ज पर सेकेंड. ओके, दिस इज द डेफिनेशन. So by this approach, beta, we can say algebraically addition of current at a particular node will always equal to zero. Okay, this thing. अब अगर यही property, beta, हम इस circuit में लगाएं, तो कैसे handle करेंगे? हमें क्या पता करना है बालक? E पता करना है. अब समझो, E कैसे पता कर सकते हैं? आराम से समझिए. देखो बेटा, हमें ये पता है कि यार 3 ampere यहाँ है, 7 ampere यहाँ है, तो यहाँ कितना जाना चाहिए बेटा? 10 ampere. See properly. So how much current, beta, can flow here? Is nothing but beta 10 ampere. Okay, so yeah, now beta see here. So how much current beta will flow here in this branch? 3 ampere entering beta, 7 ampere entering. So here this current will be beta 10 ampere. One job is done. Agli baat samajhte beta, in a resistive element current will always flow beta higher to lower potential. So 10 into 10 by Ohm's law is how much voltage beta? 100 volt. अच्छा, यहाँ कितनी करंट है बेटा? 7 ampere. सो इन दिस फैशन बेटा करंट इज फ्लोइंग. सो दिस साइड पॉजिटिव, दैट साइड नेगेटिव, एंड 7 and 5 मल्टीप्लाई करो ओम्स लॉ से, तो कितना होगा बेटा? 35 volts. होपफुली इट इज क्लियर. नाउ माय डियर फ्रेंड बेटा, वी कैन अप्लाई KVL इन दिस मैश. ओके, लेट अस अज्यूम बेटा इट इज मैश 1. अब बताइए मुझे, यहां तक क्लियर है कि नहीं? सभी लोग बोलो बेटा, यहां तक क्लियर है कि नहीं? और बोलना सीखो. ओके, अगर प्रेजेंट हो तो बोलना सीखिए. नाउ बेटा, आई वांट टू राइट KVL इक्वेशन फॉर दिस लूप. ओके, व्हाट विल बी द KVL इक्वेशन? सी प्रॉपरली, माइनस ई बेटा, माइनस ई, एंड बेटा दिस इज अ पॉजिटिव साइन. ऐसे चलो, माइनस साइन पहले मिला बेटा, फिर आपको पॉजिटिव साइन मिला, तो कितना लिखोगे? माइनस ई प्लस 35, ये हो गया बेटा. फिर ऐसे आओ, प्लस में कितना मिला फिर से? 100. तो मैं यहां लिखना चाह रहा हूं 100 इज इक्वल टू 0. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ई बेटा? इज 135 volts. सो दिस इज द फाइनल आंसर. हो गया बेटा, ई की वैल्यू क्या होगी? 135 volts. अच्छा, अब आप कहेंगे सर आप इसको भी तो सेटिस्फाई करो, तो जरा इसको देखते हैं बेटा करके सेटिस्फाई क्या होता है. कभी कभी क्या होता है बेटा, रेंडमली डिजाइनिंग में क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, तो कैसे करोगे सॉल्व बेटा? 3 × 10 इज नथिंग बट बेटा 30 volts. होपफुली इट इज क्लियर. नाउ बेटा, आई वांट टू अप्लाई KVL इन दिस फैशन, तो कितना हुआ? प्लस 30 बेटा प्लस दिस 100 मस्ट बी इक्वल टू 0. बट ऐसा तो हो नहीं रहा है बालक. तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इस वोल्टेज को कितना होना पड़ेगा बेटा? इस वोल्टेज को होना पड़ेगा 30 + 100 इज हाउ मच? 130 volts. ओके, देन वी कैन राइट बेटा अवर सर्किट इज बैलेंस्ड एंड ईच एंड एवरी टर्म्स आर लाइक वी कैन से बेटा गेटिंग प्रॉपर वैल्यूज. ओके, दिस इज द थिंग. सो 20 वोल्ट से बेटा सेटिस्फाई हुआ नहीं KVL, क्योंकि ये प्लस 100 है, ये प्लस 30 है, दोनों को जोड़ो तो 130 आना चाहिए. तो यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव का कितना होना चाहिए बेटा? 130. ओनली इन दैट वे वी कैन सेटिस्फाई KVL फॉर मैश 2 ऑल्सो. ओके, सो आई थिंक इट इज क्लियर बालक. या थैंक यू साहिल. सो दिस इज द बेटा क्वेश्चन. अब आगे मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछने जा रहा हूं, तो बी सीरियस बेटा एट एवरी मोमेंट. ओके, बी सीरियस प्लीज एट एवरी मोमेंट. ओके, सो सी व्हाट इज दिस क्वेश्चन बेटा, बहुत आराम से. दिस इज वन रेजिस्टेंस बेटा, दिस इज वन अनदर रेजिस्टेंस. हियर बेटा वी हैव अनदर रेजिस्टेंस इन दिस फैशन, वन मोर रेजिस्टेंस, एंड दिस इज बेटा
resistance in this fashion. And I want to say beta, here we have some Vs, this is resistance Rs, ये बेटा अपना 10 ओम है, ये 10 ओम है, और ये बेटा मान लो 5 ओम है, और ये 5 ओम है, और ये वाली करंट जो है बेटा, ये वाली जो करंट है, वो है अपनी 10 एम्पीयर, और ये जो करंट है बेटा, इसको मैं R लिख देता हूँ, that current is coming 0 एम्पीयर, मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, this current is 10 एम्पीयर बेटा, okay? Then tell me what will be the value of source current IS at this condition, okay? What will be the value of source current IS? बताओ बालक, क्या होना चाहिए बेटा? कि ऐसे नहीं होता बेटा कि हम लोग एक लेवल पे डिस्कस करेंगे, okay? So starting में नहीं होता बेटा कि अब हम इतना सीरियस हो चुके हैं एग्जाम के लिए कि starting से ही हम खेलना चाह रहे हैं. अब हम ऐसा नहीं बेटा कि अब आके बल्ला पकड़ेंगे और अब आके बॉल देखेंगे, फिर देखेंगे कि भाई कैसे बल्ला घुमाना है, कैसे बॉल को पहचानना है. अब हमें इतना आना चाहिए बेटा, हल्की बॉल देखनी आनी चाहिए, हल्का बैट घुमाना आना चाहिए, और इसी को बेटा नहीं, इतनी प्रैक्टिस है हमारे पास, इसी को हमें और शार्प करना है, और अच्छा करना है. एंड फॉर दैट थिंग बेटा CIZ प्लस इज गोइंग टू लाइक नॉट इज गोइंग टू ऑलरेडी डन इज द फुलट दिस बेटा कोर्स, ओके? तो इसमें क्या है कि हम एग्जांपल्स को बहुत सही तरीके से एक एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए, स्पीड को मेंटेन करते हुए स्टार्ट कर रहे हैं, ओके? या दिस इज द थिंग. नाउ बेटा, व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ IS? अब समझो इसको, तो मैं लिखने जा रहा हूं बेटा, सम करंट IS इज हियर, दिस इज द 0 एंपियर बेटा R. अब बहुत इत्मीनान से सुनना. मान लो बेटा आप एग्जाम में बैठे हो एंड यू वॉन्ट टू हैंडल बेटा दिस क्वेश्चन लेस देन 1 मिनट, then how you can handle? एक बात ध्यान रखो बेटा, ओम्स लॉ इज इक्वल टू बेटा, ओम्स लॉ डिफाइन V इज इक्वल टू IR, वेयर बेटा दिस R इज ऑलवेज वैलिड ओनली इन द रेंज ऑफ 0 to infinity. मतलब ओम्स ने बेटा अपना रूल देने से पहले एक बात कह दी थी कि भैया मेरा रूल बेटा जब R की वैल्यू 0 होगी तो नहीं लगेगा, और जब इन्फिनिटी होगी तो भी नहीं लगेगा. फॉर एग्जाम्पल बेटा, इफ वी हैव वन रेजिस्टेंस एंड द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज 0 बेटा, then guaranteed in general बेटा current will not be 0. guaranteed बेटा in general current will not be 0. but बेटा here voltage will be 0. so see बेटा Ohm's law not satisfying. similarly if you want to consider बेटा open circuit case, then guaranteed बेटा I will be 0, but V will not be equal to 0. so I proportional to V will fail. okay, give me few seconds बेटा, I want to write here. So, my dear friend, beta, I proportional to V fails. कब fail होगा बेटा? When R equal to 0 and R equal to infinite. समझ गए बालक? R equal to 0, R equal to infinite. Now, beta, when R lies in this range, R is lying in this range, beta, then V equal to IR is valid. इतनी बात आपको clear आ गया. आपको अगर master जी समझ गए हम, अब मत बोलिए आप. तो मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा. This is R beta and current is 0. So here this R is non-zero value. Okay? तो अब यहाँ पे voltage क्या होगा बेटा? 0 volts. तो आपको इतनी बात clear हो गई बेटा कि इस R के across कितना voltage होगा? 0 volts. खत्म बात बेटा. इतनी बात. Okay? आप जरा observation और अच्छी रखो. देखो आपके लिए मैंने circuit के size को बड़ा कर दिया. कितनी current flow हो रही बेटा इस 5 में? 10. तो देखो 10 into 5 ohms law कितना हो गया बेटा? 50 volts. 10 into 5. अच्छा बेटा अगर यहाँ पे करंट 0 एम्पियर है तो यहाँ करंट कितना होना चाहिए? 10. सेम, सो 10 एम्पियर ही है. नाउ बेटा प्लस माइनस 10 इनटू 10 इज 100 वोल्ट बाय ओम्स लॉ अगेन. अगर यहाँ ग्राउंड ले लो बेटा तो यहाँ कितना पहुंचेगा वोल्टेज? 150 बेटा, सो 150 वोल्ट्स. और यहाँ कितना पहुंचेगा बेटा? 50 वोल्ट्स. क्यों 50 पहुंचेगा? क्योंकि यहाँ पे बेटा जो वोल्टेज होगा वो इसके इक्वल होगा, तभी तो करंट 0 है. So I won't write beta V1 and this is V2 and V1 and V2 are equal. So agar yahan 50 hai beta to yahan bhi 50 hai aur wo mil bhi raha hai aapko 50 volts. Khatam. Now beta 50 minus 50 divided by this R will equal to 0. So agar yahan 50 hai beta, yahan 5 hai, to kitni current flow honi chahiye Ohm's law se? 50 by 5 is nothing but beta 10 ampere. Acha ye current 0 hai to ye kitna hona chahiye beta? 10 ampere. So 10 and 10 beta, 10 is this one. So 10 ampere here. And here we have 10 ampere, apply KCL. So what will be the value of IS is 20 ampere. बताओ बालक, clear है कि नहीं? बोलते रहो बेटा, clear है कि नहीं?
देखो आसान आसान से क्वेश्चन है, बट वही होता है बेटा कि हमें ना हैंडल करते हुए बहुत कंसंट्रेशन रखना पड़ता है, बहुत अच्छा समझना पड़ता है। ओके आप ये सोचिए बेटा कि CIZ प्लस एक बेहतर ओके और बेस्ट नॉलेज देने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें आप अपने फ्रेंड को अपने दोस्तों को इन्वॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि नहीं होता बेटा देखो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो एक टीचर को मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, स्टूडेंट से। तो जितना अच्छा आपकी साइड से रिस्पॉन्स आएगा बेटा उतना बेहतर और बेस्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर पाऊंगा। ओके चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझते रहिएगा बेटा। आई वॉन्ट टू आस्क यू वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, और इस बार आपको रिप्लाई करना है। ओके चलिए बड़ा छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं बेटा। आई वॉन्ट टू राइट दिस क्वेश्चन बेटा हियर। ओके सो दैट इज बेटा सम करेंट वैल्यू 10 एम्पियर, एंड बेटा हियर वी हैव सम आर, दिस इज अनदर आर बेटा, हियर वी हैव आर एंड वन बैटरी। ओके एंड बेटा जी दिस इज द करेंट सोर्स सम वैल्यू, एंड आई वॉन्ट टू मेक ग्राउंड हियर बेटा एंड ग्राउंड हियर। ओके now I want to write it at 10 ampere and this R is variable resistance beta, and this R I want to write with a 10 ohm, this is a 5 ohm, and that one is beta plus minus 50 volts, and this current beta 5 ampere. Okay roughly I want to say, and the value of beta R is variable in the range of beta 1 ohm to 100 kilo ohm. Okay so this is the beta range of your R, is R ki range ye hai. In that situation beta you have to tell me very easy question beta, what will be the value of this beta I1, what will be the value of I1 when beta R1 is 10 ohm first case, and second case beta when R1 is 1000 ohm. Okay 1000 ohm. So here beta you have to tell me two cases, 10 ohm and 1000 ohm. Clear? So this is your question beta, read the question properly and tell me the, yeah. Thank you Niti. So Niti beta and Sahil, aram se soch ke bataiye ki kya answer hona chahiye beta. See 10 ampere R is variable beta, then we have some 10 ohm resistance here beta, I1, 5 and so on. And beta, that person is asking, और मान लीजिए मैं ही पूछ रहा हूँ बेटा, so this R is variable in this range. अब ये पूछ रहा है बेटा कि जब R1 की value, R1 means बेटा this one, okay? R1 means बेटा this. So जब R1 की value बेटा 10 ohm है, तो I1 की value क्या होगी? और जब R1 की value बेटा 1000 ohm है, तो I1 की value क्या होगी? In both cases you have to tell. Yeah. So do you have any idea, my dear friend? और मैं फिर से आपको बता दूं बेटा कि CIZ प्लस एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन स्टार्ट कर रहा है, तो इस टेस्ट सीरीज को बेटा ज्वाइन करिए, इसमें SSC के आपको 3 पेपर मिलेंगे और ये बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके टोटली फ्री है बेटा, सो प्लीज डोंट गेट पैनिक कि कहीं से भी आपको कुछ पे करना है। एंड इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज बेटा वी हैव माई डियर फ्रेंड बेटा 3 पेपर्स, एज आई टोल्ड यू 3 पेपर है बेटा इसमें, और 3 पेपर में से बेटा 2 अपने जो है टेक्निकल है और 2 जो है अपने सॉरी 2 अपने बेटा टेक्निकल है और एक क्या है नॉन टेक्निकल है। सो वन इज नॉन टेक्निकल, एंड अगेन आई वांट टू टेल यू बेटा कि क्वेश्चन पेपर का लेवल आपके SSC के लेवल से काइंड ऑफ बेटा एब्सोल्युटली मैच करेगा, तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है कि सर पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से होंगे कैसे होंगे, ऐसा ना हो डिमोटिवेट हो जाए, ऐसा ना हो लाइक ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। जिस लेवल का पेपर होना चाहिए उसी के आसपास प्लस माइनस 2% का आप टॉलरेंस बैंड ले सकते हैं। ओके यस या वेरी नाइस, अरे बालक आप तो नीति शर्मा बेटा आप तो बहुत अच्छा आंसर दिए हैं। सो सी बेटा इन दिस केस बेटा आवर करेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेरिएशन ऑफ R1 बेटा, बस एक कंडीशन नहीं होनी चाहिए बेटा, एट व्हाट कंडीशन बेटा दिस I1 कैन अफेक्ट व्हेन R1 इज द इनफाइनाइट, उससे पहले बेटा हमेशा कितनी करेंट फ्लो होगी 10 एम्पियर, यहां कितनी जाएगी बेटा 5 एम्पियर, सो यहां हमेशा कितना होगा 5 एम्पियर, बेहतरीन। सो बेटा सी द अमाउंट ऑफ I1 डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेरिएशन ऑफ R1, द अमाउंट ऑफ I1 बेटा डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेरिएशन ऑफ R1,
okay, because beta here we have constant current, that's why. Okay, so I won't write beta this statement. Bahut behtareen beta Niti. So here I want to write beta the variation, the value of beta I1 does not depend upon beta, depend upon the variation of R1. Khatam. Behtareen beta, behtareen balak. अब बालक आपके लिए एक शानदार क्वेश्चन फिर से आप पेस्ट करते हैं और मुस्कुराते हुए जरा इसको पढ़िएगा बेटा. पढ़ाई का मतलब होता है चेहरे पे मुस्कान रहनी चाहिए, मन में शांति हो, दिमाग बहुत कूल हो. ओके, ये पैरामीटर्स बेटा मैंडेटरी होते हैं स्टडी के लिए, वरना आप देखते होंगे, ऐसे नहीं कह रहा हूं बट किसी भी स्थिति में बेटा लेबर का काम तो किया जा सकता है, हेल्थ थोड़ी ठीक होनी चाहिए, बट ये जो पढ़ाई है स्टडी है बेटा, इसके लिए माइंड अगर शांत ना होना तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं. ओके, वी रिक्वायर 100% कॉन्सेंट्रेशन. नाउ आई वॉन्ट टू गिव यू अनदर बेटा क्वेश्चन एंड दैट इज रियली वेरी इजी. ओके, सो सी बेटा, आई वॉन्ट टू राइट हियर, वी हैव सम बेटा रेजिस्टेंस एंड दिस इज बेटा अनदर रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस बेटा, एंड हियर सम बैटरी इज देयर एंड आई वॉन्ट टू आस्क यू बेटा फ्यू थिंग्स. ओके, so this is our current source and here beta we have again some battery and resistance. Theek hai? Okay, so now beta I want to write here 2 ohm, this is plus minus 50 volts beta, and here beta we have current of 20 ampere. Okay, and this is beta 4 ohm, it is balak 10 volt. Okay, this is beta 10 ohm and it is beta ji plus minus 40 volts. Okay, so can you tell me beta the value of this I in this circuit? So you have to tell the value of I current beta. Okay, the value of current I, aram se soch ke. ये क्वेश्चंस नहीं है बेटा, एक एक क्वेश्चन में आपको 10-10 कंसेप्ट मिलेंगे, उन कंसेप्ट्स को फॉलो करना है तभी जाके बेटा आप आगे बेहतर कर पाएंगे अपने एग्जाम्स में. ओके, तो आपको पता बेटा एग्जाम कोई भी हो यार, कंटेंट तो लगभग सेम ही रहता है ना बेटा, 80% कंटेंट, 80% सिलेबस सेम होता है. अब ऐसा तो है नहीं कि बेटा मान लीजिए आपके स्टेट एग्जाम में इलेक्ट्रिकल में कुछ और पूछा जाएगा और मान लीजिए पंजाब में कुछ और पूछा जाएगा, महाराष्ट्र में कुछ और, यूपी में कुछ और, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो चेंज नहीं होगी ना. अगर आपके यहाँ कोई करंट होता है तो पूरे वर्ल्ड में कोई करंट होता है. ओके, अब ये कोई बेटा नॉर्मल चीजें नहीं है कि भाई अपने यहाँ मान लीजिए बेटा प्याज को प्याज बोलते हैं तो महाराष्ट्र में कांदा बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, सो वी हैव सम स्टैंडर्ड नेम वर्ड वाइज, तो इतना ध्यान रखना बेटा एग्जाम कोई भी हो अगर अपनी प्रिपरेशन अच्छी रहती है तो क्रैक करने के ऑब्वियसली चांसेस काफी हाई होंगे. ओके, यस बालक, नाउ आई नीड आंसर फ्रॉम योर साइड, प्लीज टेल मी क्या होना चाहिए. नीति और बेटा 2-3 लोग हैं, यस ट्राई टू स्पीक अप. देखिए बड़ा आसान सा सर्किट है बेटा, जब भी किसी तीन बेहतरीन बेटा द वैल्यू ऑफ आई, देखो मैं क्या कहना चाहता हूं बेटा, जब भी आप किसी भी सिस्टम में किसी रेजिस्टेंस की करंट को नोन पाए, मतलब किसी रेजिस्टेंस की करंट बेटा पहले से दी हुई है, जैसे इस 2 ओम की रेजिस्टेंस कितनी बेटा है 20 एम्पियर, तो आप इजिली क्या रूल लगा सकते हैं बेटा, ओम्स लॉ. सो देखो 2 × 20 कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ यहां बेटा, प्लस माइनस 40 वोल्ट्स, प्लस माइनस बेटा 40 वोल्ट्स. ओके, एक बात हमेशा ध्यान रखो बेटा, जब भी आप कोई रूल अप्लाई कर रहे हो या जो भी कहानी कह रहे हो तो उसमें बड़ा सटीक तरीके से चला करो. जैसे मैंने क्या बताया कि रेजिस्टेंस में बेटा कभी भी करंट माइनस से प्लस फ्लो नहीं होती है, हमेशा कहां से कहां फ्लो होगी, हायर टू लोअर. अब आप कहेंगे सर जी ये बात आप 4 बार बोल चुके हैं बट रीजन नहीं बता रहे हैं, तो रीजन ये है बेटा कि उसी एलिमेंट में निगेटिव से पॉजिटिव करंट फ्लो होती है जो एलिमेंट बेटा एज ए सोर्स वर्क कर सकता है. जैसे बेटा इंडक्टर कैन वर्क एज ए सोर्स, कैपेसिटर कैन वर्क एज ए सोर्स बेटा, वोल्टेज सोर्सेस, करंट सोर्सेस कैन वर्क एज ए सोर्स. इन दैट सिचुएशन बेटा करंट कैन फ्लो निगेटिव टू पॉजिटिव, अदरवाइज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल. ओके, तो बेटा रेजिस्टिव एलिमेंट कभी भी सोर्स बनते नहीं है, तो इसलिए इनमें करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो होती है, पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो होती है. होपफुली इट इज क्लियर. या साहिल, वेरी नाइस बेटा, 6 एम्पियर, बेहतरीन.
अगली बात को देखते हैं बेटा. ओके सो सी प्रॉपरली बेटा, 50 वोल्ट टू एंड सो ऑन. सो बेटा 20 एम्पीयर एंड टू, हाउ मच वोल्टेज जनरेटेड? 40 वोल्ट. अब मैं एक रेफरेंस लेना चाह रहा हूं बेटा. अब विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस बेटा, यहां पे वोल्टेज कितना होगा इस नोड पे, कोई बताओ जल्दी से कितना होगा बेटा? 50 वोल्ट. और कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बेटा? 40. तो 50 में से 40 घटाओ तो यहां कितना बचेगा बेटा? 10 वोल्ट्स, 10 वोल्ट्स. नाउ बेटा सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाउ मच वोल्टेज एट दिस नोड बेटा? एट दिस नोड इज नथिंग बट बेटा 10 वोल्ट्स. तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया बोलो बालक? इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस बेटा कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया? 10 माइनस 10. तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है. सो 0 एम्पीयर. अगर ये 0 है बेटा, ये 20 है, तो ये 20 यहां पहुंच गई बालक. अब आगे बढ़ते हैं बेटा. अगर ये 20 है और यहां पे करंट हमें आई पता करना है और ये वोल्टेज सोर्स है बेटा, तो इसकी करंट कैसे पता करें? ये अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास में. तो बेटा ये करंट कैलकुलेशन अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है. जरा ऑब्जर्वेशन करो बेटा, ये करंट 0 हो गया, ये करंट नोन हो गया बेटा. अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करो तो बेटा यहाँ पे कितना वोल्टेज पहुंचेगा? 40 वोल्ट्स पहुंचेगा बेटा. यानी कि ये 40 और ये 10 और ये 10, तो इसके हिसाब से कितनी करंट फ्लो होनी चाहिए थी बेटा? ऑब्जर्वेशन अच्छी रखना, इसके हिसाब से कितनी करंट फ्लो होनी चाहिए बेटा? देखो यहाँ से 40 माइनस 10 बेटा डिवाइडेड बाई 10, 3 एम्पियर. सो दिस बेटा सर्किट एलिमेंट इज नॉट सेटिस्फाइंग और सर्किट, तो इसको हटा देते हैं क्योंकि इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको हटा दिया. नाउ इट इज योर एक्चुअल सर्किट. तो कितनी करंट फ्लो हो गई बेटा यहाँ से? 20 एम्पियर. सो दिस आई विल बी 20 एम्पियर. अगर बेटा ये वी लगा रहता तो एक तो वी से केवीएल सेटिस्फाई नहीं होता, दूसरा पॉइंट बेटा समझते रहिएगा, हम अगर वी लगा भी रहता और हम केवीएल भी सेटिस्फाई करते हैं बेटा, तो वी से कुछ करंट पास होगी. अब हमारे पास दो अननोन हो जाते, एक इक्वेशन होती तो हम सॉल्व भी नहीं कर पाते. यानी कि चाहे आप 3 एम्पियर बोलते चाहे आप 6 एम्पियर बोलते, दोनों ही आंसर क्या हो जाते? गलत. एक तो सर्किट में गलती थी बेटा, केवीएल सेटिस्फाई नहीं हो रहा था. दूसरी गलती और किसमें थी बालक? दूसरी मिस्टेक इसमें थी बेटा कि अगर हम वी को लगा भी लें अपने एग्जैक्ट वोल्टेज का, तो उसमें एक करंट फ्लो होगी आई वन. अब अपने पास अननोन हो गए बेटा आई वन एंड आई, तो फिर आई को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता. ओके सो पहले तो हमने सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा इसको हटा दिया. अब इस स्थिति में आप बता सकते हैं कि सर आई की वैल्यू -20 एम्पियर होगी. आप बताओ बेटा क्लियर है कि नहीं? आई की वैल्यू बेटा -20 एम्पियर होगी. ओके वेरी नाइस बेटा, ये है. अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन लेते हैं. और देखिए डेटा मैं अभी आपको क्यों इधर उधर करके दे रहा हूं, ताकि आपके भेजे में आपके दिमाग में बेटा कंसेप्ट आए. देखो मैं अपने आप सर्किट बना रहा हूँ बेटा और फिर उसको सही कर ले रहा हूँ. कैसे सही कर रहा हूँ? क्योंकि बेटा कंसेप्ट आते हैं, वही कंसेप्ट जो मेरे पास थोड़े मोड़े हैं या ज़्यादा हैं, वो आपके साथ शेयर करके आपके कंसेप्ट भी अपने बराबर बनाना चाह रहा हूँ और मुझसे बेहतर बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपका ब्रेन कहीं ना कहीं मुझसे बेटा बहुत ज़्यादा शार्प है. ओके सो नाउ आई वॉन्ट टू राइट बेटा सिंपल एग्जाम्पल. ओके फॉर यू आई वॉन्ट टू राइट बेटा दिस एग्जाम्पल. लेट अस अज्यूम देयर इज सम V1 बेटा जी, V1 and here beta I have some beta V2 in this fashion, and there is beta some resistance and one current is there beta 5 ampere. Okay, so this current is beta 5 ampere current source, this is beta 10 ohm and that voltage is beta 100 volt plus minus. Now beta you have to tell me the current I1. Okay, aapko I1 batana hai kitna hona chahiye. एंड बेटा सी दिस V1 इज आइडियल, इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा V1 इज आइडियल इंडिपेंडेंट सोर्स. वन थिंग बेटा. एंड सेकेंड थिंग बेटा V1 वैल्यू इज ग्रेटर देन 0. मतलब V1 की जो भी वैल्यू है बेटा वो पॉजिटिव बताई जा रही है और आइडियल इंडिपेंडेंट सोर्स है. तो बेटा I1 की वैल्यू क्या हो सकती है इस सर्किट के हिसाब से? आपके पास ऑप्शन ये है बेटा, आपको सर्किट पूरा दिखना चाहिए. ऑप्शन ए आई वांट टू गिव बेटा 2.5 एम्पियर, बी इज बेटा 5 एम्पियर, सी इज बेटा 0 एम्पियर एंड डी वी कैन नॉट डिटरमाइन बिकॉज डेटा इज इनसफिशियंट. या बेटा डेटा इज इनसफिशियंट, सो थिंक प्रॉपरली एंड ट्राई टू टेल मी व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर.
या व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर बेटा? सिंपल बेटा, देखो ये 5 एम्पीयर करंट सोर्स हियर, 10 ओम रेजिस्टेंस, 100 वोल्ट बैटरी इज देयर बेटा, दिस इज द V1 I1 समथिंग, एंड बेटा दैट अबाउट साहिल इन करेक्ट सर्किट बिकॉज इट डज नॉट फॉलो KVL. कैसे बेटा KVL फॉलो नहीं करेगा? ये तो सर्किट KVL फॉलो कर जाएगा बेटा, कैसे करेगा साहिल? आई विल टेल यू. ओके चलिए ऑब्जर्वेशन बेटा जरा ध्यान से समझिए. सी दिस इज द करेंट सोर्स बेटा विल फ्लो इन दिस फैशन एंड वी हैव बेटा दिस वोल्टेज और बैटरीज. और V1 के बारे में क्या कहा जा रहा है बेटा? V1 इज आइडियल इंडिपेंडेंट DC सोर्स बेटा, DC सोर्स, एंड वेयर V1 वैल्यू इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव. ओके या डी? हाँ जीत बेटा, सिविल इंजीनियरिंग के लिए सीरीज चलती है. एंड फॉर द डिटेल यू कैन बेटा चेक द CIZ+ वेबसाइट एंड ऑल्सो यू कैन इंस्टॉल द ऐप ऑफ CIZ+. ओके यस जी. नाउ बेटा आप सभी लोग देखो बेटा, नीति एंड साहिल कि क्या आंसर होना चाहिए. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा, कैन यू टेल मी हाउ मच करेंट बेटा विल फ्लो हियर? क्या मैं यहाँ 5 एम्पियर लिख सकता हूँ? बताओ 5 एम्पियर लिख सकते हैं बेटा? आप कहोगे बिल्कुल सर 5 एम्पियर लिख सकते हैं बिकॉज इट इज सीरीज कनेक्शन बेटा. अब देखो ये 5 एम्पियर बेटा यहां और यहां डिवाइड होगा, तो मैं इसको I1 और I2 बोल दिया. हमें क्या निकालना है बेटा? I1. अब देखो ये इक्वल बैटरीज हैं. ओके आपको पता है बेटा पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होना चाहिए, तो V1 की वैल्यू 100% क्या होगी बेटा? 100 वोल्ट, बिकॉज दिस इज आइडियल, दिस इज आइडियल. किसी के बारे में जब कुछ ना बोला जाए तो वो आइडियल सोर्सेस होते हैं, तो बेटा इट इज आइडियल. अब अगर ऐसे KVL लगाओ तो V1 की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा? 100 वोल्ट. सो V1 इज इक्वल टू 100 वोल्ट. अब बेटा आपकी 5 एम्पियर करंट आई और उसको 2 बैटरी मिली और दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो प्रैक्टिकली क्या होगा बेटा? इक्वल करंट फ्लो होना चाहिए. सर्किट यही कहता है बेटा, इक्वल लोड बेटा, दोनों लोड क्या है? इक्वल. तो करंट क्या होगा बेटा? 50-50% डिवाइड. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज बेटा ए, 2.5 एम्पियर. अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइए बेटा, मैं डिस्कस करूंगा. और आप कह रहे हैं KVL सेटिस्फाई नहीं होगा, तो KVL सेटिस्फाई होगा. कैसे होगा? शायद आप इस बेस पे बोल रहे हो, मैं आपको समझाऊंगा बेटा. यहाँ पे आप बोल रहे होगे सर 5 एम्पियर यहाँ है, 10 ओम यहाँ है, तो यहाँ कितना वोल्टेज जनरेट हुआ बेटा? 50 वोल्ट. अभी आपने इसका वोल्टेज तो छोड़ दिया ना बेटा, तो इसका वोल्टेज भी तो कंसिडर करना है. तो देखो -100 -this, तो इसका कितना होना चाहिए बेटा? प्लस माइनस हाउ मच? 150 वोल्ट्स. सो सी बेटा, -100 -50 -150 +150 = 0. बेटा जब भी आपको कोई करेंट सोर्स मिले तो उसके अक्रॉस आपको वोल्टेज लेना है. ये वोल्टेज क्यों नहीं ले रहे थे आप? जब ये नहीं ले रहे होगे तभी तो आपका KVL सेटिस्फाई नहीं हुआ होगा. तो बेटा यहाँ वोल्टेज मानो, जैसे हर बैटरी के थ्रू आप करंट मानते हो ना बेटा, वैसे ही हर करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज भी मानना चाहिए, क्योंकि बेटा ये भी तो सोर्स है, ये भी सोर्स है. तो यहाँ आई वेरिएबल होता है, तो यहाँ वी वेरिएबल होता है. ओके सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर बेटा? 2.5 एम्पियर. बताओ क्लियर है कि नहीं? यस बोलो बेटा, करेक्ट क्लियर है कि नहीं? जीत एंड नीति बोलिए बालक. और बेटा आपके कोई डाउट हो उनको भी पूछिए, थोड़ा सा माहौल को अच्छा बनाइए ताकि हम लोग CIZ से जुड़ के मतलब अच्छे से अच्छा नॉलेज गेन कर पाए. ओके ताकि मतलब जब भी आप कहीं डिस्कस करें तो लगे कि एक इंजीनियर बोल रहा है. ओके डिग्री वाला नहीं, नॉलेज वाला. नाउ बेटा आई वॉन्ट टू गिव यू अनदर क्वेश्चन. ओके व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? ओके नाउ बेटा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब भी प्रॉब्लम हैंडल करें बेटा तो उसके सारे पैरामीटर्स को लाइक नहीं होता है, फिल्टर आउट करने की कोशिश करें कि कौन क्या कह रहा है. जैसे मैं बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं बेटा, हियर आई वांट टू आस्क यू बेटा, दिस इज सम वी. ओके एंड बेटा हियर वी हैव सम आर. आराम से समझिए, दिस इज नॉट क्वेश्चन बेटा, आई वॉन्ट टू टेल यू सम कंसेप्ट. दिस इज बेटा 10 वोल्ट, दिस इज 2 ओम. फर्स्ट टेल मी बेटा, दिस सर्किट इज सीरीज सर्किट और पैरेलल? आई नीड रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड बेटा. This circuit is series circuit or parallel, beta? Yes, speak up, beta. Series or parallel? क्या कहेंगे आप इसको बेटा? कौन सा सर्किट है? This given circuit is. Very nice, Niti. बहुत अच्छा बेटा. अच्छा मैं आपसे कहूं बेटा कि एक सर्किट ऐसा है, जरा ऑब्जर्वेशन रखना बेटा,
एक सर्किट ऐसा है ये, और इसी में बेटा मैंने ये भी लगा दिया। तो ईयर भी है बेटा सम V1, बहुत अच्छा नीति। यहां बेटा R1 एंड दिस इज R2। अब बताओ ये सर्किट क्या है बेटा, पैरेलल और सीरीज। अब बताओ क्या है, पैरेलल और सीरीज, पैरेलल, बहुत अच्छा बेटा। अब मैं आपसे दूसरी बात पूछ रहा हूं, बेहतरीन बालक, खुश कर दिया आपने मुझे। अब मैं बेटा यहां से ऐसे पूछ रहा हूं कि लेट सम करंट I इज देयर बेटा एंड हियर I1 हियर I2, ओके। अब आप बेटा पैरेलल इसलिए बोल रहे हो कि सर जी जो वोल्टेज R1 के अक्रॉस होगा बेटा वही वोल्टेज R2 के अक्रॉस होगा और वही वोल्टेज V1 है। तो मैं बेटा ऐसे लिख दे रहा हूँ VA एंड VB, ओके। तो गिव मी फ्यू सेकंड्स बेटा, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ इसको, दिस इज बेटा VA एंड दैट इज VB। तो इन पैरेलल सर्किट बेटा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सी हियर वी कैन राइट बेटा V1 एंड V1 इक्वल टू VA, VB इक्वल टू दिस। So we can write beta V1 equal to VA is equal to VB. This is the definition of parallel connection. That means in parallel connection beta voltages are always equal, whereas in series connection beta current always equal. तो आपने कहा सर जी या तो आप voltage से बता दो parallel, या आप ऐसे बता दो कि current beta divide हो रही है दो parts में। तो जब भी current divide होती है तो guaranteed circuit क्या होगा, parallel। आप कहोगे सर जी इतना मुझे पता है, मेरा दिमाग खराब मत करो, okay? इतना मुझे पता है। तो मैं कहूंगा बेटा बस मैं एक छोटा सा आपसे एक डाउट कर रहा हूं, अगर बेटा मैं इस ब्रांच को रिमूव कर दूं, ओके, तो बताइए बेटा क्या V1 अभी भी VA के इक्वल होगा कि नहीं। जस्ट दिस इज द क्वेश्चन बेटा। बेटा मैंने एक ब्रांच हटा दी, अब मैं लिखना चाह रहा हूं V1 इज इक्वल टू VA, एम आई राइट और नॉट, टेल मी, एम आई राइट बेटा और नॉट, प्लीज स्पीक अप। या नीति बेटा कुछ बोलना चाहे, V1 is equal to beta VA is correct or not? अगर मैंने बेटा एक ब्रांच हटा दी, एक आर्म हटा दी, okay, I am waiting for your response, Niti. Okay, अब समझते हैं बेटा, so V1 is equal to VA. अगर बेटा V1 is equal to अभी भी VA है, तो क्या सर्किट को पैरेलल नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं ना बेटा, क्यों? क्योंकि देखो ऐसे अभी भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बेटा यहाँ V1 आएगा और V1 इक्वल टू VA होना चाहिए, तभी तो KBL सेटिस्फाई होगा। तो ऐसे लगाओ, देखो KBL कब सेटिस्फाई होगा, जब बेटा VA इक्वल टू V1 होगा। कुल मिला के बेटा इस सर्किट में, बचे हुए सर्किट में बेटा ये करंट और ये करंट और ये करंट सब इक्वल है और साथ में बेटा वोल्टेज भी इक्वल है। तो क्या डेफिनेशन निकलती है, व्हेनेवर वी हैव बेटा टू एलिमेंट्स इन आवर सर्किट, ओनली टू एलिमेंट्स बेटा, then that type of circuit are called बेटा series or parallel both, क्योंकि इसमें बेटा ये वोल्टेज और ये वोल्टेज भी बराबर होते हैं और ये करंट और ये करंट भी बराबर होती है। तो इस सर्किट को क्या बोलोगे, या तो आप सीरीज बोल दो बेटा या आप पैरेलल बोल दो, आप कुछ भी बोलो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। और ये बेस्ट होगा कि आप सीरीज और पैरेलल बोलो, मतलब जो आपको मानना है मानो। लेकिन कब वैलिड होता है बेटा सीरीज और पैरेलल, जब एक सर्किट में या एक नेटवर्क में मात्र कितने एलिमेंट हो, दो, अदरवाइज बेटा आइदर योर सर्किट विल बी सीरीज और पैरेलल और द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज पैरेलल, ओके, इस टाइप से। बताइए इतनी बात क्लियर है बेटा साहिल, ओके नीति बेटा इतनी बात क्लियर है, वेरी नाइस। सो बेटा इस सर्किट को क्या बोलोगे, सीरीज और पैरेलल। अब मैं आपसे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन करना चाह रहा हूं बेटा, कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझिए। जैसे बेटा मैं एक करंट सोर्स लूं यहाँ पे 10 एम्पियर का एंड आई वांट टू कनेक्ट बेटा दिस करंट सोर्स अक्रॉस वन रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, तो बस आप ये बताइए बेटा रेजिस्टेंस में पावर डिसिपेट होगी कि नहीं। आई वांट टू नो बेटा इन रेजिस्टेंस पावर विल डिसिपेट और नॉट, प्लीज स्पीक अप, होगी कि नहीं, बस इतना बोलिए बेटा। तो आप कहोगे सर जी बिल्कुल होगी, कैसे होगी बेटा, सी दिस करंट विल फ्लो बेटा इन दिस फैशन, दिस वन, तो पावर डिसिपेटेड बाय रेजिस्टेंस बेटा क्या होना चाहिए, आई स्क्वायर इनटू आर एंड दैट बेटा आई इज 10, सो 10 स्क्वायर इनटू आर इज आल्सो 10 इज नथिंग बट बेटा 1 kilowatt, ओके, दिस इज द पावर बेटा डिसिपेटेड बाय योर रेजिस्टेंस। आप कहेंगे सर मैं समझ गया, बिल्कुल होगा, आगे बढ़ते हैं बेटा। जरा ऑब्जर्वेशन देखना, बहुत इंटरेस्टिंग मिलेगी बेटा। अगर मैं आपसे कहूं बेटा ये एलिमेंट पावर डिस्प्लेट कर रहा है 1 kilowatt, तो बेटा ये तो कंफर्म है, ऐसे समझो ये आप हो बेटा। अगर आप 1000 रुपए खर्च कर रहे हो तो कहीं से 1000 रुपए आए भी तो होंगे बेटा, कहां से आए होंगे, किसी सोर्स से।
तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए बेटा ये आपके पापा हैं या मम्मी है, ये आप हो, ठीक है। आप अभी बेटा अनएम्प्लॉयड हो, ओके, जॉब वॉब नहीं कर रहे हो, तो आपको बेटा कोई 1000 रुपये खर्च करने हैं, तो 1000 रुपये खर्च करने के लिए आप अपने मम्मी या पापा से कहोगे, उन्होंने आपको 1000 रुपये दिए, तभी तो काइंड ऑफ ये सिस्टम सेटिस्फाई होगा बेटा। तो देखो अगर रेजिस्टेंस 1 kW पावर डिसिपेट कर रहा है और ये कंफर्म है बेटा कि रेजिस्टेंस एनर्जी जनरेट नहीं करता है, सिर्फ कंज्यूम करता है, तो इस सर्किट में बेटा और कौन एलिमेंट है जो इस एनर्जी को देगा, तभी तो टेलिगंस थ्योरम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ सेटिस्फाई होगा। तो आप कहोगे सर बहुत देर से आप बोले जा रहे हो, सीधे नहीं कह सकते हो 10 एम्पियर पावर देगा, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही हो बेटा आप, तो कितनी पावर अपना 10 एम्पियर करेंट सोर्स डिलीवर करेगा बेटा, 1 kW। That means power dissipated by resistance is equal to beta power delivered by this current source. आप कहोगे ठीक है सर, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ बेटा इसी एग्जाम्पल से कि अगर अपने पास 10 एम्पियर का करेंट सोर्स है बेटा और 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो बेटा ये 10 एम्पियर लिखता हूँ मैं और इसकी वजह से बेटा यहाँ 10 एम्पियर करेंट फ्लो होगी और ओम्स लॉ के हिसाब से कितना वोल्टेज जनरेट होगा बेटा, 100 वोल्ट। अब देखो यहां मैं लगाना चाह रहा हूं बेटा एक वोल्टेज, माना VCS, मान लिया बेटा वोल्टेज। अब मैं इस वोल्टेज की वैल्यू निकालूं तो VCS क्या मिलेगा बेटा, 100 वोल्ट। अब आपको पता है बेटा करंट सोर्स की पावर कैसे निकालते हैं, P is equal to VI से, ओके। अब देखो बेटा P is equal to, मैं लिखना चाह रहा हूं जैसे हम लोगों ने निकाला था 1 kW पावर, तो बेटा P is equal to 1000 is equal to V into I was 10 एम्पियर बेटा, यहां से V की वैल्यू भी कितनी आ गई, 100 वोल्ट। कुल मिला के एक बात आपको ध्यान रखनी है बेटा, जब भी सर्किट में करंट सोर्स दिया हो, व्हेनेवर बेटा करंट सोर्स इज गिवन इन आवर सर्किट बेटा, ऑलवेज एज्यूम ए वोल्टेज अक्रॉस दिस करंट सोर्स बिफोर हैंडलिंग योर क्वेश्चन, बिफोर हैंडलिंग योर क्वेश्चन। जब भी बेटा आपके क्वेश्चन में कोई करंट सोर्स दिया हो, तो आप इस करंट सोर्स के अक्रॉस हमेशा क्या एज्यूम करेंगे, एक वोल्टेज, फिर आप हैंडल करो उसको। ऐसे बेटा जब भी क्वेश्चन में आपको कोई बैटरी दी हो, तो आप सबसे पहले एक करंट यहाँ एज्यूम करो आई, फिर क्वेश्चन को हैंडल करो। बिना एजम्पशन आई के और बिना एजम्पशन VCS के बेटा आप क्वेश्चन का अगला स्टेप कभी मत लेना, वरना क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बेटा मोर देन 90% हो जाते हैं, ओके। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ सेम कंसेप्ट पे, और आप देखिएगा बेटा आप बिल्कुल सही आंसर दोगे। आई वॉन्ट राइट बेटा 10 प्लस माइनस दिस इज 10, आई वॉन्ट राइट बेटा सम करेंट एंड हियर बेटा दिस इज आवर वोल्टेज। तो सी बेटा आई वॉन्ट राइट दिस इज VS, दिस इज बेटा 10 ओम, दिस इज प्लस माइनस बेटा 50 वोल्ट, इट इज बेटा प्लस माइनस 50 वोल्ट, इट इज बेटा 5 ओम एंड दिस करेंट इज बेटा 10 एम्पियर, देन टेल मी वैल्यू ऑफ VS, क्या होगा बेटा VS की वैल्यू इन वोल्ट्स, ओके। जी बोलिए बालक, V की वैल्यू क्या होगी बेटा इन वोल्ट्स। बहुत आराम से, तसल्ली से, नीति, साहिल, एवरीवन बेटा टेल मी इन प्रॉपर वे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ VS बेटा, इस सोर्स की वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। अगर आपने बता दिया बेटा तो डेफिनेटली आप अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हो, ओके। या 250 वोल्ट्स, नीति बहुत अच्छा रिप्लाई आप करते हो एंड आई अप्रिशिएट बेटा दिस थिंग। अच्छा मैं नीति बेटा और सभी लोग आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, मैंने अभी आपको क्या समझाया था बेटा, जब भी किसी सर्किट को हैंडल करो तो करंट सोर्स के अक्रॉस क्या मान लो बेटा, वोल्टेज, और वोल्टेज सोर्स के थ्रू क्या मानो, करंट। इनको मानने से पहले सर्किट को हैंडल मत करो। तो देखो बेटा अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं अपने टीचर की बात सुनता और ऐसे बोलता कि मेरे मास्टर जी कहते हैं कि करंट सोर्स के अक्रॉस आप एक वोल्टेज मान लो किसी भी पोलरिटी का, डजंट मैटर किस पोलरिटी का, किसी का भी बेटा, क्योंकि ये करंट सोर्स कुछ ना कुछ वोल्टेज तो रखेगा ना, जीरो तो नहीं होगा, ओके। तो अब ये वोल्टेज हमने मान लिया बेटा, अब हम इस सर्किट में KVL लगाएंगे, ओके। अब हम इस सर्किट में बेटा दो तरीके से KVL लगाएंगे, एक विदाउट VCS और एक विद VCS, ओके। चलो बेटा समझो KVL क्या कहता है, ओके, समझना बेटा। KVL says that if beta one circuit has beta many elements like this beta many elements and suppose here some VS is there,
देन बेटा एल्जेब्रिकली एडिशन ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप मस्ट बी इक्वल टू बी एस, मस्ट बी इक्वल टू बी एस. तो एलिमेंट काउंट करो बेटा 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो बेटा वी एस कितने वोल्टेज के बराबर होगा? वी एस 5 वोल्टेज के एडिशन के बराबर होगा. अगर मैं बेटा इसको वी वन बोलूं, इसको वी टू बोलूं, तो किसके बराबर होगा? वी वन वी टू प्लस बेटा वी थ्री प्लस बेटा वी फोर प्लस वी फाइव. यानी कि एक सर्किट में जितने एलिमेंट होते हैं बेटा उतने वोल्टेज इक्वेशन में अपीयर होने चाहिए. अब यहां हो बेटा, इसकी इक्वेशन मैं लेता हूं इसकी, तो क्या लिखेंगे बेटा जरा समझो. माइनस वी एस जॉब रिटर्न बेटा, दिस इज 10 एम्पियर बेटा. सीरीज सर्किट आपको पता है, तो 10 इंटू 10 कितना वोल्टेज हुआ बेटा? 100 वोल्ट. आप कहोगे सर आसान है. फिर मैं कहूंगा बेटा 10 इंटू 5 तो ये हो गया बेटा 50 वोल्ट. आप कहोगे सर आसान है. तो अब लिखो इसको, माइनस वी एस बेटा प्लस 100, ऐसे लिखा, गुड. प्लस 100 बेटा प्लस 50 लिख दिया, प्लस बेटा ये वाला 50 लिख दिया, बेहतरीन. प्लस बेटा ये वाला 50 लिख दिया, बेहतरीन. इज इक्वल टू लिख दिया 0. अब हमें मास्टर जी की बात याद आई कि मेरे मास्टर बार बार कहा करते थे कि जब भी KVL लगाओ तो ये टर्म बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर हो. तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, और ये कहाँ है बेटा छठवां? ये तो लिखा ही नहीं, तो इसका भी तो लिखना है ना. यानी कि एक वोल्टेज मिसिंग है बेटा, और ये वोल्टेज पता नहीं है, तो ये अननोन हो गया. तो अननोन को मैंने VCS लिख दिया. मतलब इस पूरी इक्वेशन में बेटा देखो कितने वेरिएबल आए, एक तो VS आया और एक बेटा VCS वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स आया. इक्वेशन है एक, अननोन है दो. बड़ी ना इंसाफी है बेटा, शोले मूवी. ओके, तो बड़ी ना इंसाफी है, तो इसका मतलब हैंडल नहीं होगा. सो फाइनल कंक्लूजन इज दिस वन बेटा, वी कांट कैलकुलेट VS. ओके, समझ गए, वी कांट कैलकुलेट VS बेटा, बिकॉज वन इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स बेटा. सो बड़ी ना इंसाफी है बेटा. ओके, क्लियर हो गया बेटा जी? या साहिल शर्मा बेटा 250, नीति 250, गलत हो गया ना बेटा, बताया था ना आपको. तो ये कंसेप्ट ध्यान रखिए, सही से समझिए. कल बेटा हम लोग अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के साथ आपको आपके नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे और आपको बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे CIZ Plus पे. ओके माई डियर फ्रेंड बेटा, जस्ट इंस्टॉल द ऐप ऑफ CIZ Plus एंड ट्राई टू अटेंड द टेस्ट सीरीज ऑफ दिस SSC JEE also. And if you have beta any doubt, please बिल्कुल परेशान नहीं होना कि रवि सर पता नहीं बिजी होंगे क्या होंगे. आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको अपने डाउट सिर्फ CIZ Plus के नंबर पे या उसके व्हाट्सएप पे या उसके ऐप पे बेटा सेंड करने हैं. एंड आई प्रोमिस यू इन द लाइव सेशन बेटा विद इन 24 आवर्स आई विल रिजोल्व योर डाउट. ओके, नो डाउट बेटा, क्लासेस लेने की वजह से थोड़ा मैं बिजी रहता हूँ, बट आई प्रोमिस यू, आई एश्योर यू दैट विद इन 24 आवर्स आइदर बाई कॉल और बाई मैसेज आई विल एक्सप्लेन योर डाउट इन रिलीवेंट वे. ओके, एंड अगेन बेटा एट द लास्ट आई वॉन्ट टू एश्योर यू दैट इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस बेटा CIZ Plus courses, obviously at this moment all courses are free beta, so please don't get a panic ki aapko kuch abhi pay karna hai. Whenever beta kuch naya introduce hota hai I will tell you, but abhi aapko kam se kam test series join karni hai, cheeze join karni hai, aur thoda sa pe aapko improved rakhna hai, thoda sa pe aapko beta confident rakhna hai, taki jis level ki hum log taiyari kar rahe hain us level pe hum log apne aap ko pahuncha paaye ya apne aap ko rakh paaye. Okay, to ye bas dhyan rakhna hai. Okay, so thank you beta everyone, we will meet tomorrow. If you have some doubt you tell me please. Yes, Balak, speak up, please. Okay, so thank you, Balak.